बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू वन। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ जनरल चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर साइन एक्स की वैल्यू ज़ीरो आ जाए या साइन एक्स इज इक्वल टू वन आ जाए, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन आ जाए, या इसी तरह से कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, कॉस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और कॉस एक्स इज इक्वल टू प्लस वन, तो फिर इसके सॉल्यूशंस हम किस तरह से मालूम करेंगे। क्योंकि ये किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहे, इससे पहले जो हमारी डिस्कशन चल रही है वो स्पेशल किसी ना किसी क्वाड्रेंट के लिए है, यानी वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, लेकिन ये वाले जो एंगल हैं किसी क्वाड्रेंट पे नहीं, किसी क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं करेंगे, बल्कि क्वाड्रेंट्स को सेपरेट करने वाली लाइंस के ऊपर आएंगे। ये क्वाड्रेंट सिस्टम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर साइन ज़ीरो होगा, मतलब साइन ज़ीरो भी ज़ीरो होगा और साइन 180 भी ज़ीरो होगा। इसी तरह से वाई एक्सिस के ऊपर कॉस ज़ीरो होगा, मतलब कॉस 90 भी ज़ीरो और कॉस 270 भी ज़ीरो, कॉस 270 इस तरह से कॉस 270 भी ज़ीरो आएगा। मतलब ये वैल्यू किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेंगे, बल्कि क्वाड्रेंट को सेपरेट करने वाली लाइंस जो है जिनको हम क्वाड्रेंटल एंगल्स कहते हैं उनमें से कोई एक एंगल होगा। तो अभी देखते हैं यहाँ पे कि अगर साइन एक्स जो है वो ज़ीरो आ जाता है तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है। इसकी पॉसिबिलिटी है या एक्स ज़ीरो होगा या एक्स जो है वो पाई होगा। सिंपली हम इसको एन पाई भी लिख सकते हैं, मतलब 1 0, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, इधर 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, सबके लिए ज़ीरो आएगा। और अगर साइन एक्स इज इक्वल टू 1 है तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी है कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाई 2 यानी 90 आएगी, इधर साइन की वैल्यू 1 है इस एंगल पर। और अगर साइन एक्स जो है वो इज इक्वल टू माइनस 1 है तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, अगर इस तरफ से एंगल मैयर करें, अगर इधर से एंगल मैयर करें तो -π/2। अब ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कॉस जो है वो ज़ीरो आ जाता है, कॉस ज़ीरो, कॉस एक्स अगर ज़ीरो के इक्वल आ जाता है तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि ये या तो π/2 होगा या या 3π/2 होगा। ऐसे ही अगर कॉस एक्स जो है वो 1 के इक्वल है तो 1 आएगा सिर्फ जब एंगल 0 होगा, और अगर कॉस एक्स जो है वो -1 के इक्वल है तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है, वो है कि एक्स जो है वो पाई के इक्वल आएगा। ठीक, तो अब आते हैं ये अपने सॉल्यूशन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। ये चीजें डिस्कस हो गई सारी। अब इसमें ये साइन स्क्वेयर है और ये कॉस है, सेम फंक्शन नहीं है, हम इसको सेम फंक्शन बनाने की ट्राई करेंगे। हम जानते हैं कि साइन स्क्वेयर एक्स को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स। ये किस आइडेंटिटी से आया है, ये आइडेंटिटी साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ से लिया गया। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, क्या साइन स्क्वायर की जगह पर क्या कर देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इस कॉस को भी साइन में चेंज किया जा सकता था, लेकिन फिर क्या आना था, फिर उसमें स्केयर रूट आ जाना था। मतलब अगर हम कॉस एक्स लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इसी आइडेंटिटी से, लेकिन यहाँ पे चूंकि स्क्वायर नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, जिसको सॉल्व करना आगे डिफिकल्ट था, इसलिए हमने जो स्क्वायर वाली टर्म है उसको दूसरे फंक्शन में उसको चेंज कर दिया। अब 1 जो है वो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम कॉस एक्स कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0।
तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो cos x जो है वो 0 के इक्वल है या फिर cos x जो है वो 1 के इक्वल है। अब ये सारी पॉसिबिलिटीज हमने यहाँ पे डिस्कस की हुई है, ये वाली कि अगर cos की वैल्यू 1 है या 0 है तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है। अगर cos 0 है तो उसकी पॉसिबिलिटी है पाई बाई टू या 3π/2। अगर cos 1 है तो उसका मतलब है कि एंगल कितना है, 0 है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। और यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाई टू या 3π/2। तो अगर हम इसके जनरल एंगल्स बनाएं तो इसके लिए बनेगा 0 प्लस 2nπ, चूंकि cos का पीरियड 2π है, और इसका जनरल एंगल बनाएं या फिर x इज इक्वल टू 3π/2 प्लस 2nπ। तो सिंपली इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा 2nπ ये वाला यूनियन पाई बाई टू प्लस 2nπ यूनियन 3π/2 प्लस 2nπ। तो ये इसका, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बन गया ये वाला।